बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान भारत के तेजस तैयारे खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया ने नई बोंग मार दी। नाज़रीन, आखिर भारतीय मीडिया ने ये बोंग किस वजह से मारी और भारतीय मीडिया पर यह तमाम तरह प्रोपेगेंडा क्यों शुरू किया गया, तमाम तरह तफसीलात के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन, भारत के तेजस तैयारों को दुनिया का कोई भी मुल्क खरीदना नहीं चाहता, वो इतने नाकारा है, लेकिन पाकिस्तान उनको खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये कहना है भारतीय मीडिया का। तो नाज़रीन, भारतीय लीडर्स की दफाई मुआहदे में नाज़रीन बताते चले कि भारतीय एयरफोर्स काफी अरसे से शदीद मुश्किलात का शिकार है। भारतीय लीडर्स के दफाई मुआहदे में करप्शन और प्रोफेशनलिज्म का फुकदान इन मुश्किलात का बड़े अवामल हैं। दफाई मुआहदों में करप्शन इस कदर ज्यादा है कि नकारा और ऐसे जहाज उड़ाने के लिए पायलट्स को दिए जाते हैं जो मुख्तलिफ खराबियों का शिकार होने के बाद दौरान प्रवास क्रैश कर जाते हैं, और इस वक्त भी सोशल मीडिया पर तेजस समोसा का हैश टैग ट्रेंड कर रहा है। नाज़रीन, तैयारों की पेदरपे हादसात के बाद भारतीय फजाइया को इस बात की अशद जरूरत थी कि नए तैयारे फजाई बेड़े में शामिल हों और तेजस इस मकसद के लिए हासिल किए गए। ताहम इसका डिजाइन बड़ा ही अजीब है, इस वजह से अक्सर सोशल मीडिया सार्फीन इन तैयारों को समोसों से तशबीह देते हैं। यहाँ पर बताते चले आपको कि यह तैयारा ना सिर्फ शक्ल और सूरत के हवाले से भी इंतहाई बदसूरत है, बल्कि टेक्निकल सतह पर भी बहुत सी खामियों का शिकार है। गुज़श्ता साल भारतीय लोक सभा के दो मेंबरान ने भारतीय फजाइया के हुक्काम से एक सवाल पूछा था, जिसका सरकारी सतह पर 18 मार्च 2020 को जवाब दिया गया। सवाल यह था कि गुज़श्ता 3 सालों में भारतीय एयरफोर्स के कितने तैयारे क्रैश हुए हैं। भारतीय फजाइया के तैयारे मुसलसल हादसा का शिकार हो रहे हैं और अक्सर पायलट्स भी इन हादसा में हलाक हो जाते हैं। 27 फरवरी 2019 को पाक भारत मुआरके में पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के दो जेट तबाह किए, और इसी रोज मकबूजा कश्मीर में भारत का एक जंगी हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया। इसके बाद भारतीय अवाम और एयरफोर्स में सख्त मायूसी पाई जाती थी और भारतीय हुकूमत पर दबाव है कि नए तैयारे भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बनाए जाएंगे। लोकसभा में मेम्बरान के सवाल के जवाब में जो डेटा अफसरान की जानिब से पेश किया गया, इनके मुताबिक अगर भारत में होने वाले एयरफोर्स के फाइटर जेट के हादसा का जायजा लें तो 2016 से 2017 के दौरान 3 MiG-1 ASU-30 और 2 Jaguar तैयारे तबाह हुए। 2017 से 2018 के दौरान 1 SU-30 क्रैश हुआ, जबकि 2018 से 2019 के दौरान सबसे ज्यादा मिग तैयारों को हादसा पेश आए और 5 MiG तैयारे तबाह हुए। इसके अलावा 2 Jaguar और SU-30 को भी हादसा पेश आया। कुल मिलाकर 3 सालों में 17 लड़ाका तैयारे हादसा का शिकार हुए। इसके अलावा 4 जंगी हेलीकॉप्टर, 2 ट्रांसपोर्ट फ्लैट और 5 ट्रेनी तैयारे हादसा का शिकार होकर तबाह हुए। नाजरीन, इन हादसा में माली के अलावा जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा भारत को। नाजरीन, मिग तैयारों को उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है भारत में, क्योंकि रूसी साख्ता मिग तैयारों के हादसा में अब तक 170 भारतीय पायलट हलाक हो चुके हैं। इस पर इमरान खान ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें मिग तैयारों के क्रैश और नाजरीन, अगर 2019 का जायजा लिया जाए तो इस साल के आगाज में 6 जनवरी को एक मिग तैयारा क्रैश हुआ, जबकि 17 मार्च को, इसके बाद 21 मई में और 25 अगस्त को एक मिग तैयारा तबाह हुआ। भारतीय हुकूमत ने नाजरीन इसी वजह से फ्रांस से राफेल तैयारे लिए, लेकिन राफेल तैयारे भी इंडियन एयरफोर्स की इस्तेदाद कार में किरदार अदा न कर सके, क्योंकि भारतीयों को इसको ऑपरेशनल्स करने के में मुश्किलात का। नाजरीन, भारतीय हुकूमत इसी वजह से फ्रांस से राफेल तैयारे लिए, लेकिन राफेल तैयारे भी इंडियन एयरफोर्स की इस्तेदाद कार में किरदार अदा न कर सके, क्योंकि भारतीयों को इसको ऑपरेशनलाइज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ तेजस तैयारों की बात की जाए तो सोशल मीडिया जिस तैयारों को इसकी बनावट की वजह से समोसा कहती है, ये एक सिंगल इंजन कम वजन जंगी तैयारा है। इस तैयारे को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया। इस पर 3 दहाइयां पहले काम शुरू हुआ था और 2015 में पहला जहाज भारतीय एयरफोर्स के हवाले किया गया, यानी इस जहाज को तैयार करने में भारत को 32 साल लगे। बताते चले आपको कि तेजस और JF-17 Thunder का कोई भी मुकाबला नहीं, क्योंकि JF-17 Thunder दहाई से। नाजरीन, अगर JF-17 Thunder से तेजस का मुकाबला किया जाए तो इनका आपस में कोई जोड़ ही नहीं, क्योंकि JF-17 एक दहाई से ऑपरेशनलाइज है और कॉम्बैक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा म्यांमार, नाइजेरिया इसको खरीद चुके हैं और ये तैयारे अब इनकी फोर्स का हिस्सा हैं। JF-17 ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, जबकि 27 फरवरी के ऑपरेशन सेल्फ रिटार्ड में ये हिस्सा ले चुके हैं। ये मुकम्मल तौर पर मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड JF-17 Thunder की साहितें सबके सामने है। दुबई में जारी एयर शो में भारत अपने 4 तेजस तैयारों के साथ शरीक हुआ और पाकिस्तान अपने सुपर मशाक तैयारों के साथ इसमें शिरकत कर रहा था। पाकिस्तान
पाकिस्तान के सुपर मशा के खरीदारों में जिम्बावे, तुर्की, ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक और अजरबैजान शामिल हुए। तुर्की ने भी इस हवाले से 50 तैयारों का ऑर्डर दे दिया। नाजरीन, ये तैयारे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार होते हैं और इन तैयारों की खरीदारी में बहुत से ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं। अब हुआ क्या था कि जिसकी वजह से भारतीय मीडिया की जानिब से यह वावेला किया जाने लगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स तेजस तैयारों में इंटरेस्टेड है। नाजरीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अमले को इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो में तेजस तैयारों का मुआयना करने के लिए कहा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के अमले ने खैर सगाली के तौर पर दुबई एयर शो में तेजस तैयारों का मुआयना किया, जिसको इंडियन मीडिया ने बड़ा ही गैर जरूरी तौर पर इशू बनाकर पेश किया कि पाकिस्तान अब तेजस से इतना ज्यादा मुतासर हुआ है कि इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त JF-17, JF-17 थंडर और मैराज जैसे आजमूदा हथियार मौजूद है और पाकिस्तान बहुत जल्द J-10C तैयारे भी चीन से खरीदेगा। ऐसे में तेजस जैसे कमतर जहाज को पाकिस्तान क्यों अहमियत देगा? नाजरीन, दफई शो हो या कोई भी नुमाइश शो, इसमें एक दूसरे के जहाजों का मुआयना करना एक आम सी बात है। बताते चले आपको कि तेजस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फीन ने तेजस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिस पर भारतीय मीडिया सेफा होगा। नाजरीन, अगर देखा जाए तो तेजस का इंजन अमेरिकन साख्ता है, रडार इसराइली और हथियार फ्रांसीसी है इसमें। तो नाजरीन, ये तैयारा भारतीय तैयारा कैसे हुआ जबकि इसका एक फ्रेम तक फ्रेंच कंपनी ने बनाया है? इसके बावजूद इस जहाज को लेकर भारत की इतनी खुशफहमी समय से बाहर है। आलमी एविएशन माहरीन के मुताबिक तेजस में बहुत सारी खामियां हैं। नेजिए के नॉन स्टीलिथ फोर्थ जनरेशन फाइटर है, जबकि दुनिया इस वक्त 4.5 और 5th जनरेशन हथियारों की तरफ गामजन है। अगर तेजस 10-15 साल कबल आया होता तो शायद इसकी कोई अफादियत होती, लेकिन अब इसकी तैयारी और शमूलियत में सर्विस बहुत लेट हो चुकी है। दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है, दूसरी जानब राफेल के मुआहदों में जितना। नाजरीन, आलमी एविएशन माहरीन के मुताबिक तेजस में बहुत सारी खामियां हैं। नेजिए के नॉन स्टीलिथ फोर्थ जनरेशन फाइटर है, जबकि दुनिया इस वक्त 4.5 और 5th जनरेशन हथियारों की तरफ गामजन है। नाजरीन, अगर तेजस 10-15 साल पहले आया होता तो फिर भी शायद इसकी कोई अहमियत होती, लेकिन अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी जानिब राफेल के मुआहदों में जितने घपले सामने आए हैं, इस पर सबकी जुबानें बंद हैं और तेजस में कितनी करप्शन हुई जल्द ही इसके बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि देखें, जिस मुल्क के पास इतने जदीद तरीन तैयारे हैं वो भी तेजस में इंटरेस्टेड है। तो नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर इस हवाले से। अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जजाकल्ला।